News 18 India. नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। केंद्र सरकार ने किसानों से अपील की है कि वो बातचीत के लिए आएं और सरकार ने कहा है कि वो किसानों से किसी भी वक्त बात करने के लिए तैयार हैं। किसानों की मांग पर सरकार के मंत्रियों ने पहले भी बात की थी और किसानों को समझाने की कोशिश की गई थी। अभी भी सरकार का कहना यह है कि वो बातचीत करने को तैयार हैं। तो यहाँ पर राजनीति से प्रेरित ना हो, प्रदर्शनकारी ये कहा गया है और बातचीत करने के लिए केंद्र सरकार बिल्कुल तैयार है। किसानों से बार बार केंद्र सरकार ये अपील कर रही है कि वो बातचीत के लिए सरकार के पास आए और सरकार ने ये भी कहा है कि वो किसानों से किसी भी वक्त जब वो चाहें तब बातचीत के लिए तैयार हैं। और किसानों की मांग पर सरकार के मंत्रियों ने पहले भी बात की थी और किसानों को समझाने का प्रयास किया था। दो बार की बैठक अब तक हो चुकी है और ये तीसरी बार का प्रयास होगा अब सरकार जब किसानों को समझाएगी। तो वहीं बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ने आरोप ये लगाया कि प्रदर्शन के लिए किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है और इसके लिए फंडिंग विदेश से हो रही है। हमारे साथ में बीजेपी के सांसद रमेश विधूड़ी जी हैं। सर, किसान आंदोलन चल रहा है, कुछ साल पहले इसी तरीके की एक आंदोलन हुआ था लेकिन उसमें बहुत सारी बातें जो है उनकी डिमांड मोदी सरकार ने मान ली थी। एक बार फिर सड़कों पर उतर रहे हैं, क्या मानते हैं कि चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है, उसकी वजह से इसके पीछे कोई रणनीति, कोई साजिश हो सकती है? नहीं नहीं, ये किसान नहीं है, ये आंदोलनजीवी है। किसान तो अपने काम कर रहे हैं, ये किसानों के नाम पर रोटी सेकने वाले लोग हैं। कांग्रेस इन सब लोगों को उकसाती है, कनाडा से फंडिंग होती है, चाइना से फंडिंग होती है, तो इसलिए बाहर की फंडिंग से कुछ लोग, ये बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो लाइजनर टाइप के लोग हैं, वो लाइजनिंग करते हैं और ट्रैक्टरों पर ट्रॉलियों पर लोगों को बरगला कर यहाँ पर कुछ लोगों को लेकर आते हैं। हरियाणा का किसान और पंजाब का किसान, उसमें अंतर देख लीजिए आप। पंजाब सरकार के द्वारा वहाँ से लोग डेप्यूट करके भेजे जा रहे हैं दिल्ली के लिए, जबकि पंजाब सरकार की ड्यूटी बनती है उन किसानों की समस्या को दूर करने का काम केजरीवाल का बनता है। जब पहले आंदोलन हुआ तो पंजाब में केजरीवाल की सरकार रही तो ये केजरीवाल क्या बातें बोला करते थे, ये कहते थे हम सरकार में आएंगे तो ये कर देंगे किसानों के लिए, ये कर देंगे। तो ये किसानों के नाम पर रोटी सेकने वाले लोग हैं, किसान नहीं है। किसानों का लेकिन बैनर यूज करके और इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि सरकार इनकी बदतमीजी के अनुसार कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्टेप उठाए, कहीं किसी व्यक्ति के कुछ सर में चोट लग गई, कहीं कुछ बच्चे को गड़बड़ हो गई तो उसको कैस किया जाए। तो कांग्रेस और आंदोलनजीवी लोगों का एक गठबंधन है और किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज शाम केंद्र के साथ किसान नेताओं की बातचीत हो सकती है, बैठक हो सकती है। ये बैठक चंडीगढ़ में हो सकती है और केंद्र सरकार के बड़े मंत्री किसान नेताओं से बातचीत कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, जिस तरीके से लगातार हलचल है और किसानों ने लगातार दिल्ली की ओर कूच करने का प्रयास किया, उसके बाद अब ये तीसरे दौर की बैठक होगी जब केंद्र सरकार लगातार किसानों से ये भी कह रही है कि वक्त, जिस वक्त वो उनके पास आएंगे तब वो उनके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। और अब ये तीसरी बातचीत होगी और आज शाम केंद्र सरकार के साथ ये बातचीत यहां पर हो सकती है। इस वक्त मानव हमारे साथ जुड़ रहे हैं शंभू बॉर्डर से। मानव, और साथ साथ जावेद भी हमारे साथ मौजूद है। मानव, पहले आपका रुख करेंगे, क्या तस्वीर वहां पर इस वक्त, क्योंकि आज शाम एक बैठक भी होने वाली है, किसान क्या कह रहे हैं? देखिए, कल अनुराग ठाकुर का, केंद्रीय मंत्री का बयान आया था, उसका संज्ञान यहाँ पर किसान नेताओं ने आज सुबह शंभू बॉर्डर पर लिया और ये कहा कि जब सरकार बातचीत की पहल कर रही है तो हमें बातचीत क्यों नहीं करनी चाहिए। इसके बाद किसान नेता डल्लेवाल यहाँ से बकायदा मीडिया में बयान देते हुए निकले हैं कि अब चंडीगढ़ जा रहे हैं, वहां पर सरकार के साथ बैठक होगी और अब ये रणनीति तय होगी। दूसरी तरफ यहाँ पर लगातार संबोधन ये हो रहा है कि अगर बैठक विफल आज रहती है तो आज ही या फिर कल दिल्ली कूच किया जाएगा, दिल्ली कूच जरूर किया जाएगा, ये ऐलान लगातार यहाँ से किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कल यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे गए थे किसानों के ऊपर, प्रदर्शनकारियों के ऊपर। आज करीब 4 घंटे से लगातार एक के बाद एक हरियाणा पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से 4 घंटे से लगातार शेलिंग यहाँ पर हो रही है, लगातार टीयर गैस के गोले यहाँ पर दागे जा रहे हैं। एक यहाँ पर किसानों के हाथ कामयाबी ये लगी है कि उन्होंने तकरीबन 4 से 5 बैरिकेड्स यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स और हरियाणा पुलिस बैठी हुई है, जहाँ पर जवान बैठे हुए हैं वहां पर आगे ले जाकर लगा दिए हैं और हरियाणा पुलिस के द्वारा। मानव, आपके पास हम लौटेंगे, इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर लिए चलते हैं दर्शकों को, जहाँ पर हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी जुड़े हुए हैं। जावेद, क्या तस्वीरें वहां से मिल रही है ट्रैफिक को लेकर और सिक्योरिटी को लेकर? देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी है वो
उस दिन से ही तय है कि किसानों का जो दिल्ली कूच का ऐलान था, लेकिन यहाँ जो प्रभावित हो रहा है वो ट्रैफिक है। मैं एक बार तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, जो ट्रैफिक दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जा रहा है, यहाँ एक्सप्रेसवे लेन पर तो ट्रैफिक स्मूथ आपको नजर आएगा, लेकिन जो दूसरी लेन है वहाँ पर आपको तस्वीर थोड़ा ट्रैफिक की रफ्तार थमती हुई नजर आएगी। चूँकि यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, इसलिए एक लेन से ही ट्रैफिक गुजर रहा है उस सड़क पर। तो ये तस्वीर है आपको गाजीपुर बॉर्डर के दिखा रहे हैं। 14 लेन का एक्सप्रेसवे है पूरा, जिसके नीचे की दो जो चार लेन है वो पूरी तरह से बंद है। एक्सप्रेसवे की जो लेन है ये दोनों तरफ से स्मूथ चल रही है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक लेन जो गाजियाबाद के लिए जा रही है दिल्ली से, उस पर जो ट्रैफिक है वो अभी स्लो है। ट्रैफिक सुबह के वक्त हमने देखा था, कुछ देर के लिए रफ्तार धीमी हुई थी, लेकिन लगभग पूरे दिन ट्रैफिक ठीक रहा यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर। लेकिन सिक्योरिटी के जो आप इंतज़ाम यहाँ देखेंगे वो वैसे ही हैं, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए, कि अगर किसान इस मोर्चे पर पहुँचते हैं तो उनको रोका जा सके। यहाँ पर तमाम डंपर लगाए गए हैं,